हेलो एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल दिस इज प्रोफेसर इवनीत सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है और उसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं सो इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उस सारी वीडियोस की जो प्ले है उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी तो आप चेक कर लीजिएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर आता है और ये एक्ट इंडिया में फर्स्ट जुलाई 1930 को आया था ठीक है तो अब क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो ये सेक्शन फोर सब सेक्शन वन के अंडर इसकी डेफिनेशन गिवन है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए सर्टन प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो सेलर है वो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी इन गुड्स प्रॉपर्टी का मतलब लॉ की लैंग्वेज में ओनरशिप होता है अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जहां पर भी लॉ में प्रॉपर्टी वर्ड आए इट इट मींस ओनरशिप ठीक है it, it तो सेल के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि सेलर या तो उसी समय सेल कर देता है गुड्स को और उसी समय ओनरशिप दे देता है बायर को तो वो सेल हो गई या फिर वो एग्रीमेंट करता है कि वो फ्यूचर डेट में अपने गुड्स को बायर को सेल करेगा फॉर ए सर्टेन प्राइस मतलब कोई प्राइस जो है वो फिक्स कर लिया जाता है ठीक है तो वो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये एक वाइड टर्म है इसमें सेल भी इंक्लूड होती है और एग्रीमेंट टू सेल भी इंक्लूड होता है ओके और जो सेल और एग्रीमेंट टू सेल इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसकी भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है प्रॉपर जिसमें मैंने डिफरेंस दिया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप देख लीजिएगा अब आ जाओ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है ये सेल और क्या होता है एग्रीमेंट टू सेल अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर सब सेक्शन थ्री वेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ सेल जब हम उसी समय चीज को खरीद लेते हैं आप मार्केट गए आपने पैसे दिए और चीज़ खरीदी तो वो क्या है वो सेल है मतलब आपको ओनरशिप गुड्स की उसी समय मिल गई तो वो हो गई सेल लेकिन जब गुड्स की जो ओनरशिप है वो फ्यूचर डेट पे मिलती है मींस हम ओनर फ्यूचर डेट में बनते हैं या फिर किसी कंडीशन के फुलफिल होने पे ही सेल होती है तो उसे हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं मींस आज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है सेलर और बायर ने कोई एग्रीमेंट किया है कि जो सेलर है वो फ्यूचर डेट पे बायर को गुड्स को बेचेगा ठीक है तो वो हो गया हमारा एग्रीमेंट टू सेल वेन द कंडीशन इन सच एग्रीमेंट हैज़ बिन फुलफिल्ड और जिस कंडीशन जो कंडीशन उन्होंने रखी है या फिर जो फ्यूचर डेट उन्होंने फिक्स की है तो जब वो डेट आ जाती है तो उस केस में जब सेल हो जाती है तो जो एग्रीमेंट टू सेल है वो ऑटोमेटिकली सेल में कन्वर्ट हो जाता है ओके okay? नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स और फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़ सेल इन तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब है क्वेश्चन में करैक्ट्रिस्टिक्स आए एलिमेंट्स आए फीचर्स आए कन्फ्यूज नहीं होना एक ही चीज़ है इसलिए मैंने तीनों ही वर्ड्स लिख दिए हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे तो क्या होती है तो ये इसकी फाइव इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं तो ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सबसे पहला है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स सेल का कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले पहले वो एक कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है तो जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं उनको पता होगा मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट कराया था कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रोडक्शन कराई थी मैंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है जो कि सेक्शन टेन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन के अंडर हमें गिवन है ठीक है तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को वैलिड होने के लिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना बहुत ज़रूरी है तो अब एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी होती है फर्स्ट इज अ वैलिड ऑफर एक पार्टी की तरफ से एक वैलिड ऑफर होना चाहिए और दूसरी पार्टी की तरफ से वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कोई भी पर्सन अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता मींस दो पार्टीज होना बहुत जरूरी है एक पर्सन जो ऑफर दे दूसरा पर्सन जो एक्सेप्ट करे ठीक है कॉन्ट्रैक्ट में देन थर्ड इज फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज फ्री कंसेंट का मतलब होता है जब दोनों पार्टीज एक ही चीज़ पे एक ही तरीके से एग्री करती है वेन बोथ द पार्टीज एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस ठीक है मीन्स जो आप दूसरे को बोल रहे हो पर्सन उसी तरीके से उस चीज़ को ले रहा है तो हम कहेंगे कि कंसेंट फ्री है या फिर अगर आप किसी पर्सन से एग्रीमेंट कर रहे हो मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से एग्रीमेंट नहीं हो रहा है दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से एग्रीमेंट जो है वो साइन कर रही हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं ठीक है थीके? तो हम कहेंगे कि जो है पार्टीज़ का कंसेंट फ्री है नेक्स्ट इज कंसीडरेशन होना बहुत ज़रूरी है कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन कुछ देने के बदले में कुछ लेना क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ दी और दूसरी चीज़ ली यही कॉन्ट्रैक्ट होता है कंसीडरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कंसीडरेशन नहीं है तो वो डोनेशन हो गई और डोनेशन हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ठीक है और कंसीडरेशन भी वैलिड होनी चाहिए और लॉफुल होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप इलीगल चीज़ मांग रहे हो किसी से ठीक है जैसे स्मगलिंग ऑफ गुड्स अगर आप कर रहे हो तो फिर वो इलीगल कंसिड्रेशन है बदले में स्मगल्ड गुड्स मिल रहे हैं जो कि इलीगल है तो लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट इज़ पार्टीज़ मस्ट बी कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ जो हैं वो कम्पीटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अब कम्पीटेंट होने के लिए तीन कंडीशन है एक तो पार्टीज़ माइनर नहीं होनी चाहिए बायर और सेलर में से कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए सेकेंड इज पार्टीज़ जो है वो मैंटली uh, स्टेबल होनी चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि उनका दिमागी तौर से पागल नहीं होनी चाहिए मेंटली स्टेबल होनी चाहिए एंड थर्ड इज पार्टीज शुड नॉट बी डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ मतलब उसको लॉ ने डिसक्वालीफाई नहीं किया हुआ होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो ये तीन कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है तभी हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मकसद ठीक है जिस मकसद के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए ऐसे नहीं कि आप एक पार्टी दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है किसी की पिटाई करने के लिए तो इसमें जो मकसद है वो लॉफुल नहीं है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा तो उसी तरीके से सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी ये सारी कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है इन सारे को मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है अदरवाइज मैंने इन सब के ऊपर मेरा एक एक वीडियो है ठीक है इन पूरे पूरे चैप्टर्स को मैंने कवर अप करा है आप मेरी प्ले में चेक कर लीजिएगा ठीक है आई बटन और पिन कमेंट में मिल जाएगी आपको ओके तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सबसे पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्सप्रेस भी, भी हो सकता है और इम्प्लॉइड भी हो सकता है एक्सप्रेस का मतलब होता है कि आप ओरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो इम्प्लॉइड का मतलब होता है आप ओरली या रिटर्न फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते लेकिन आपके सर्कमस्टांसिस या आपके बिहेवियर से पता लग जाता है कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए हो ओके नेक्स्ट इस नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो पार्टीज होना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी पर्सन अपनी ही चीज अपने आप को तो नहीं बेच सकता ना तो दो पार्टीज होना बहुत जरूरी है एक है बायर और सेकेंड इज सेलर लाइक इन अदर कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑल्सो हैज टू पार्टीज ठीक है द पर्सन हु बायज द गुड्स और मेक्स एन एग्रीमेंट टू बाय जो पर्सन गुड्स को खरीदता है या फिर एग्रीमेंट करता है कि वो फ्यूचर डेट पर खरीदेगा तो उसे हम बायर कहते हैं और जो पर्सन गुड्स को सेल करता है और या फिर एग्रीमेंट करता है कि वो फ्यूचर डेट पे तो सेल करे बायर बायर को गुड्स तो उसे हम सेलर बोलते हैं ओके टू पार्टीज इज़ द अपने आप से ही चीज नहीं खरीद सकता तो okay? so, दो पार्टीज होना बहुत जरूरी है बट इस केस में भी कुछ एक्सेप्शन है जहां पे सेम पर्सन बायर और सेलर हो सकता है वो कौन कौन सी एक्सेप्शन है वे आर अ पर्सन गुड्स आर सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ही में हिमसेल्फ बाय देम एग्जीक्यूशन ऑफ़ डिग्री इसका मतलब होता है जैसे सपोज अगर एक पर्सन ने लोन लिया बैंक से ठीक है और कोई चीज़ अपनी गिरवी रखी और अगर वो लोन नहीं चुका पाया तो बैंक क्या करेगा जो चीज़ गिरवी रखी है वो उसे सेल करेगा ठीक है तो जब वो सेल करेगा तो वो जो पर्सन है वो खुद जाके भी अपनी उस चीज़ को वापस खरीद सकता है ठीक है तो मीन्स वो चीज़ है भी उसी की लेकिन वो खुद ही खरीद रहा है तो ये एक फर्स्ट एक्सेप्शन हो गई नेक्स्ट इज़ अ पार्ट ओनर कैन सेल हिज शेयर्स टू द अदर पार्ट ओनर एज टू मेक द अदर पार्ट ओनर द सोल ओनर ऑफ द गुड्स ठीक है सोल मीन्स पूरा ओनर बना देना पार्ट मतलब एक हिस्से का आपकी ओनरशिप है जैसे कि अगर uh, दो दोस्त हैं उनकी ज़मीन है एक साथ सॉरी ज़मीन नहीं लेंगे हम इसमें मूवेबल गुड्स होते हैं ठीक है दो दोस्त हैं उनकी कोई uh, कोई गुड्स हैं जिसके वो दोनों ओनर हैं ठीक है थीके? तो अगर एक दोस्त अपने शेयर को दूसरे ओनर को दूसरे अपने दोस्त को बेच सकता है अपने शेयर को और दूसरा जो दोस्त है वो पूरा हिस्सेदार बन जाएगा उस चीज का तो ये सेकंड एक्सेप्शन है देन सेकंड इज व्हेन द पॉनी सेल्स द गुड्स प्लेस्ड विद हिम ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ बिल मनी द पॉनर में मसेल्फ बाई सच गुड्स पौनी पर्स वो होता है आ जिसके पास आप जैसे अगर आपको कोई पैसे चाहिए तो आप अपनी चीज जाके गिरवी रखोगे पौनी के पास ठीक है और जब मतलब जब आपके पास पैसे होंगे आप उसे पैसे दे अपनी गिरवी रखी हुई चीज वापस ले लोगे लेकिन अगर जो पोनर है वो पैसे नहीं दे पाता है तो पॉनी के पास जो गुड्स गिरवी रखे होते हैं वो उसे सेल कर देता है ठीक है तो जब वो उसे सेल करता है उसके पास हक होता है कि वो बेच के अपने पैसों को रिकवर कर सकता है तो जो पोनर है अगर सपोज उसके पास बाद में पैसे आ गए और जब सेल हो रही है वो गुड्स तो वो अपने गुड्स को जाके खुद ही खरीद सकता है देन नेक्स्ट इज़ अ पार्टनर में ऑल्सो बाय द गुड्स फ्रॉम द फर्म इन विच ही इज़ अ पार्टनर एंड वाइस वर्सा तो जो एक पार्टनर है वो भी अपने वो भी जो गुड्स हैं फर्म के वो खुद खरीद सकता है ठीक है देन नेक्स्ट इज इन केस देर इज़ अ सेल बाय ऑक्शन अगर ऑक्शन में सेल हो रही है ऑक्शन मीन्स नीलामी ठीक है जब अगर आ, किसी चीज़ की अपने आपकी गुड्स की नीलामी हो रही है तो जो सेलर है वो रिजर्व रख सकता है अपने राइट को वो अपने ही गुड्स को वापस खरीद सकता है लेकिन ऑक्शन में मतलब नीलामी में उसी के गुड्स नीलाम हो रहे हैं तो वो अपने ही गुड्स को वापस खरीद सकता है लेकिन ये करने से पहले उसे बताना पड़ेगा कि मैं अपने गुड्स को खुद खरीदने का मतलब अपना राइट को रिजर्व करना पड़ता है उसे बताना पड़ता है पहले कि मैं गुड्स खरीद रहा हूँ अपने खरीद सकता हूँ ठीक है अब इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको कभी भूले नहीं आपने मूवी देखी होगी ओम जय जगदीश उसमें भी ऐसा ही था कि लास्ट में वो अपना घर जो है वो खुद ही खरीद लेते हैं ठीक है तो, तो ये हो गया हमारा सेल बाय ऑप्शन तो ये जो है ये कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर बायर और द सेलर कैन बी द सेम पर्सन अदरवाइज सेलर और बायर दोनों डिफरेंट पर्सन होना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओके देन नेक्स्ट इज गुड्स गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब गुड्स कौन से हैं द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज असेंशियली द गुड्स ठीक है सेल जो होती है वो गुड्स की होती है इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है ओके सो गुड्स एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट आर मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी गुड्स जो होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर मूवेबल गुड्स लिए जाते हैं मूवेबल गुड्स मतलब जिनको आप मूव कर सकते हो ठीक है तो इसमें लैंड एंड बिल्डिंग लैंड नहीं आती है बिल्डिंग नहीं आती है क्योंकि आप उसे मूव नहीं कर सकते तो वो इसमें नहीं आती है गुड्स में ठीक है वही चीज़ें आती हैं जिसे मूव कर सकते हो जैसे आप फर्नीचर हो गया ठीक है और इसमें अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आते एक्शनेबल क्लेम्स हमारे होते हैं निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि प्रोमिजरी नोट हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया इनको हम असाइन करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करती है चेक ट्रांसफ़र करती है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र करती है आगे उसे बेचा नहीं जाता सेल नहीं होती सेल नहीं होती है तो इस केस में गुड्स में वो इंक्लूड नहीं होते हैं क्योंकि उसमें सेल नहीं होती उसमें ट्रांसफ़र होती है और वो नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर आता है एंड मनी नहीं होती इसमें इंक्लूड क्योंकि मनी के बदले में ही तो हम गुड्स खरीदते हैं तो मनी को इंक्लूड नहीं किया जाता इसमें और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें स्टॉक्स आते हैं शेयर्स आते हैं you <laughs> ग्रोइंग क्रॉप्स आती है ग्रास आते हैं ट्रीज आते हैं थिंग्स अटैच टू अब आप लोग कहोगे कि क्रॉप्स कैसे आ गए ग्रास कैसे आ गया ये तो मूविंग गुड्स नहीं है ये तो इमूवेबल है ये तो जमीन से जुड़े हुए हैं ठीक है ठीके? तो ये इसमें कैसे आ गए अब आप अगली लाइन देखो थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ ए लैंड विच आर सेपरेटेड फ्रॉम लैंड विच आर एग्रीड टू बी सेपरेटेड बिफोर सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ठीक है तो ये ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास ट्रीज ये तभी इंक्लूड हैं अगर सेल से पहले इनको काट दिया जाएगा तभी इसको सेल किया जाएगा ठीक है आप मतलब ट्रीज को जो है ऐसे नहीं है कि अगर आप उसे काटोगे नहीं तो आप उसे सेल नहीं कर सकते अगर आप सेल करते हो तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर नहीं आएगा मींस उसे आपको मूवेबल बना के ही बेचना पड़ेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर इंक्लूड होगा या फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर आएगा ठीक है सिर्फ गुड्स जो है वो मूवेबल होने चाहिए अब आ जाओ एनशियट एंड रेयर कॉइन्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड एड गुड्स जो एंशियंट कॉइन्स होते हैं जो या फिर रेयर कॉइन्स होते हैं वो भी गुड्स में आते हैं अब आप लोग कहोगे कि कॉइन्स कैसे गुड्स में आ गे? Okay, आपने अभी तो बताया मैम कि मनी तो आती नहीं है अब देखो मनी की जो बात हो रही है जो अभी मनी यूज में आ रही है एंशियंट और रेयर क्वेंस जो हैं अब वो यूज में नहीं आते हैं अब हम उसे मनी की तरह यूज नहीं कर रहे हैं वो पुराने क्वेंस हैं जो कभी चला करते थे तो अब वो काम में नहीं आ रहे हैं वो मनी के फॉर्म में यूज नहीं हो रहे हैं तो इसलिए अब वो गुड्स हो गए लेकिन जो मनी आजकल चल रही है ठीक है जो रुपीज हमारे चल रहे हैं वो मनी में आएंगे लेकिन एंशियंट और रेयर क्वेंस हैं वो गुड्स में इंक्लूड होंगे ओके okay? अब इसकी एक एग्जाम्पल देखो वे आर द ट्रीज वर सोल्ड सो दैट दे वर टू बी कट आउट एंड सेपरेटेड फ्रॉम लैंड एंड टेकन अवे बाय द बायर ठीक है जब किसी को ट्रीज बेचे जाते हैं तो सेल करने से पहले उसे काटा जाता है और उसे बायर को दे दिया जाता है ताकि वो लेके जा सके उसे तो मूवेबल बना दिया जाता है उसे सेल करने से पहले ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर द सेल ऑफ ट्रीज एज ए मूवेबल गुड्स ओके तो ये जो डिसाइड हुआ था ये कुरसीर वर्सेज टिम्बर ऑपरेटर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड वाले केस में डिसाइड uh, हुआ था अब अगर आपको ये नाम याद रहता है केस का तो आप केस का नाम ऊपर लिख के इसको आंसर में लिखें ठीक है इन केस कई बार क्या होता है कि लॉ में बहुत सारे केसेस हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं केस का नाम कई बार तो गलत नहीं लिखना कभी भी ये नहीं सोचना कि इतने सारे केसेज में चेक करने वाले को क्या पता चलेगा तो ये सबसे बड़ी गलती है कि गलत नहीं लिखना लॉ में भले ही मत लिखो ठीक है क्योंकि एग्जामिनर को जो है वो तुरंत पता लग जाता है कि आपने कुछ गड़बड़ करी है तो अगर आप केस का नाम भूल जाते हैं तो आप सिंपल एग्जाम्पल ऊपर लिख के आप उसको एग्जाम्पल की तरह बता सकते हैं ओके देन नेक्स्ट इज प्राइस गुड्स आर ऑलवेज सोल्ड फॉर ए प्राइस गुड्स जो हैं वो हमेशा प्राइज़ के लिए बेचे जाते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फ्री में कोई चीज़ नहीं दी जाती अगर फ्री में दी जाती है तो वो सेल नहीं हुई ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर नहीं आएगा वो डोनेशन हुई देअर मस्ट बी ए कंसिड्रेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स कंसिड्रेशन होना बहुत जरूरी है और जो कंसिड्रेशन है वो मनी के फॉर्म में ही होनी चाहिए इन अदर वर्ड्स इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स गुड्स मस्ट भी एक्सचेंज फॉर मनी ठीक है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स जो है वो मनी की फॉर्म में ही एक्सचेंज हो मीनस गुड्स लो पैसे दो ओके एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज बाटर सिस्टम ये पहले चलता था जब गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता था जैसे दो लोग आपस में कहते थे मैं तुम्हें चावल दे दूंगा तुम मुझे गेहूं दे दो ठीक है तो ये क्या है गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज कर रहे हो तो ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर इंक्लूड नहीं है ओके okay. ये हम सेल नहीं मानेंगे बट इन द केस ऑफ एल्ज वर्सेज जॉनसन इट वॉज हेल्ड दैट ट्रांजेक्शन पार्टली फॉर मनी एंड पार्टली फॉर गुड्स वॉज अ सेल लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिसमें आप दूसरे पर्सन को कुछ पैसे भी दे रहे हो और कुछ पुराने गुड्स भी दे रहे हो तो फिर वो सेल होगी ठीक है ये नहीं है बट ये है कि अगर आप बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रहे सिर्फ गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो तो वो सेल में इंक्लूड नहीं होगी इसकी एक एग्जाम्पल है जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़पेपर्स में भी आता है हर जगह आता है कि आप पुराना फ्रिज दे जाइए और नया ले जाइए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे पुराना फ्रिज ले, ले लेंगे और बिल्कुल उसके बदले में साथ ही नया दे देंगे और कोई पैसे नहीं लेंगे तो ऐसा मतलब नहीं होता अब जैसे कि रेफ्रिजरेटर कंपनी सप्लाइज अ न्यू रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज़ नाइन थाउजेंड में वो फ्रिज दे रहे थे ठीक है इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड रेफ्रिजरेटर एंड सिक्स थाउजेंड इन कैश ठीक है तो मतलब वो कह रहे थे कि अपना पुराना फ्रिज हमें दे जाओ और नया ले जाओ अब नया फ्रिज नाइन थाउजेंड का है तो वो पुराना फ्रिज लेंगे और कुछ पैसों का आपको डिस्काउंट कर देंगे और सिक्स थाउजेंड आपसे कैश ले लेंगे तो ये जो है ये सेल ऑफ गुड्स के अंडर आएगी सेल क्यों क्योंकि इसमें मनी भी इन्वॉल्व है अगर सपोज इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती तो फिर ये सेल के अंडर नहीं आती सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर अप नहीं होती ओके देन नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो सेल को सेल कहने के लिए ओनरशिप ट्रांसफर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो सेल नहीं मानी जाएगी इट इज़ असेंशियल दैट ओनरशिप ऑफ़ गुड्स इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैन बी एट एनी टाइम ठीक है ये कभी भी ट्रांसफर हो सकती है मतलब जिस समय आप गुड्स खरीदने गए उस समय भी ट्रांसफर आप, आप उसी समय खरीद सकते हो चीज़ को या फिर फ्यूचर डेट पे ले सकते हो अगर तो आप उसी समय चीज़ को खरीद लेते हो जैसे आप मार्केट जाते हो पैसे दिए चीज़ खरीदी तो ये हो गई हमारी सेल आपने उसी समय कर लिया अगर आप फ्यूचर डेट में बोलते हो कि हाँ भाई मैं कल तुमसे खरीदूंगा तो वो दैट इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल क्योंकि अभी ओनरशिप जो है वो हमारी ट्रांसफर नहीं हुई है ठीक है तो जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा उसमें चेंज हो जाएगा ओके आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो थैंक यू